अथवा अर्जुन तव एतेन बहुना ज्ञातेन किम्। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने बहुत जानने से क्या। अहम इदम कृत्स्नम जगत, मैं इस संपूर्ण जगत को एकांशेन विष्टभ्य स्थिता एक अंशमात्र से टिकाकर स्थित हूँ। अथवा अर्जुन तव एतेन बहुना ज्ञातेन किम्। अहम इदम कृत्स्नम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थिता भावात्। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योगऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंशमात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित हूँ। अथवा बहुना यतन किं जातेना तव अर्जुन विष्टव्य अहम इदम कृत्रनम एकांशान स्थित जाते हिंदी पढ़ी हुई है अथवा हे अर्जुन, तुझे इतना बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंदा में स्थित हूँ। और ये लास्ट है तो मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपने योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंदा में स्थित हूँ। हाँ, ऊंची स्टेज में थी तू। ये सारी शक्ति जो है वो जो शिव बाबा कहा जाता है इस शक्ति पर सदा कायम, वो हर जन्म में हीरो पार्ट धारी है या नीचा पार्ट में जाने वाला है। तो कलयुग के अंत में आकर के जो योग बल की पावर है वो उसमें कम रह जाती है या ज्यादा रहती है, कलयुग के अंत में अंश मात्र ही पावर रहती है ना। तो अंश मात्र पावर के आधार पर ही वो सबको धारण किए हुए है, सबसे ऊपर पार्ट बजाने वाला है, हीरो पार्ट धारी है। कोई भी ड्रामा में से हीरो को निकाल दिया जाए तो ड्रामा ड्रामा रह जाएगा, ड्रामा ही नहीं है।